ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना, एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। भाइयों बहनों, ये समग्र क्षेत्र का विकास, ये राहुल बाबा एंड कंपनी नहीं कर सकती। मोदी जी की सरकार ऊपर बन चुकी है, बन गई है या नहीं बन गई है भाई? अरे जोर से बोलो, बन गई है या नहीं बन गई है? नीचे कमलपुर की सरकार बनाओ, ये डबल इंजन सरकार हरियाणा का विकास सुनिश्चित करेगी, हम देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, हम आरक्षण की रक्षा करेंगे और धारा 370 को हम कभी वापिस नहीं आने देंगे, कि वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी, मोदी जी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलने वाली है। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा जो है कांग्रेस के, जानते हो ना जरा? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? ये राहुल बाबा ये झूठ बोलने का मशीन है। ये राहुल बाबा कहते हैं कि अग्निवीरों को इसलिए योजना लाए हैं कि सरकार उनको पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना, केवल और केवल हमारी सेना को जवान रखने के लिए बनाई रही। मैं आज कहकर जाता हूं हरियाणा की माताओं को, बहनों को, आपके नौनिहाल में सेना में भेजते वक्त मत झिझकिएगा, हरियाणा के एक एक अग्निवीर को हरियाणा सरकार और भारत सरकार पेंशन वाली नौकरी देने वाली है, और मैं आज बादशाहपुर में कहकर जाता हूं, 5 साल के बाद कोई अग्निवीर ऐसा नहीं होगा जिसके पास पेंशन वाली नौकरी नहीं होगी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, 3 अक्टूबर को माता रानी का त्योहार शुरू हो रहा है, नवरात्रि शुरू हो रही है और 5 अक्टूबर को आपको वोट डालना है। 5 अक्टूबर को वोट डालते वक्त ये शक्ति का अपमान करने वाले राहुल बाबा और उसकी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना है, और ये तुष्टिकरण में अंधे हुए हैं। मुझे बताओ बादशाहपुर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक गर्व से कहते हैं हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया। राहुल बाबा, सीटों पर हार जीत तो होती रहती है, आप इसको रामलल्ला के अपमान के साथ मत जोड़ो। आपकी पार्टी ने 550 साल से रामलल्ला टेंट में थे, अस्थाई मंदिर में थे, कुछ नहीं किया। मोदी जी ने, भूमि पूजन भी किया, मंदिर भी बनाया और प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी कर दिया। भाइयों बहनों, हमने ये जो जवाब राहुल गांधी दे रहे हैं इसका जवाब देना है। राव नरवीर बता रहे थे यहां पर सरकारें चलती थी, गुड़गांव का विकास नहीं होता था। नरवीर साहब, गुड़गांव छोड़िए, यहां कांग्रेस की जो सरकारें आती थी वो केवल और केवल एक जाति और एक जिले का विकास करती थी। 2014 में हरियाणा वालों ने भाजपा सरकार बनाई, ये 10 साल ने हमने 36 बिरादरी और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया है। पूरे हरियाणा का, पहली बार हरियाणा ने पूरे हरियाणा की 36 बिरादरी की चिंता करने वाली सरकार दी।
पहले एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास होता था और गुंडागर्दी बढ़ जाती थी, दूसरी सरकार आती थी दूसरे जिले का विकास होता था और करप्शन बढ़ जाता था। ये हुडा साहब की सरकार थी, दलाल डीलर और दामाद वो चरम सीमा पर थे। मेरे गुड़गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन दिल्ली के दामाद को धनवान बनाने में बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी। हुडा साहब, आज भी आपके लोग तैयार हो गए हैं। अभी अभी मैं व्हाट्सएप पर देख रहा था, एक प्रत्याशी कहता है मुझे विधायक बना दो, मेरे हर समर्थक को 50-50 नौकरियां दूंगा। कैसे दोगे भाई, नियम है या नहीं है? और आप आपके समर्थक को दोगे तो हरियाणा की जनता क्या करेगी? भाइयों बहनों, कांग्रेस का जब जब शासन आता है खर्ची और पर्ची से नौकरी देने का काम होता है, खर्ची और पर्ची से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने हरियाणा में 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, ना खर्ची ना पर्ची, कोई दलाल की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के जमाने में नौकरी देनी हो तो घूस देनी पड़ती थी, इनके दल्ले आ जाते थे, दलाल आ जाते थे, घूस मांगते थे। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाकर ऐसा शासन दिया कि डाकिया 51 रुपए का सगुन लेकर युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर डाकिया ही दे जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, हमने तय किया है आप भाजपा की सरकार बना दो, हम 5 लाख युवाओं को, फिर से मैं कह रहा हूं, 5 लाख युवाओं को 5 साल में खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी अभी हमारे हरियाणा में नया ट्रेंड देख रहा हूं, हथीन से लेकर थानेसर तक और थानेसर से पलवर तक कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा को, ये आपकी पार्टी के नेता आपके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्यों चुप हो भाई, क्यों चुप हो, क्यों नहीं रोकते? तुष्टिकरण में कांग्रेस पार्टी अंधी हो गई।